की समझा किंतु हम आप हमारे साथ विश्वासघात कर दिया ही है। अपने मन की हर एक बात साझा करते थे हम आपसे अजब दे और आप लोग कौन बता के भी इतना सब कुछ चलता रहा और आपने इस बात की भनक करने लगने दिया मैं अजब दे हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप कितनी चालाक हो सकती हैं हमारे विरुद्ध अजब दे अपने हमारे विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं आपके स्वागत का क्या कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं जब देखे आप कुंवर प्रताप को पसंद करती हैं और कुंवर प्रताप आपको पसंद करते हैं बोलिए जब दे क्या कहा था हम भाई जो सुना हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है क्योंकि आप में अभी इतना साहस नहीं है कि अपने पाप को हमारे सामने स्वीकार कर सके आप जो आपकी आंखों में हमें स्पष्ट दिख रहा है यही बेचारापन और भोलेपन का मीठा मीठा आवरण ओढ़ बना के आपने कुंवर प्रताप को छीन लिया इसीलिए आप वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी ना और चक्रपाणि के विवाह के समय आपने कुंवर प्रताप के साथ छोटे छोटे क्षण मुन लिए जिनमें किसी का ध्यान तक नहीं जाता था आपने हमारे साथ छल किया जब ने छल किया आपने हमारे साथ वैसे ही आज फिर हमें झेलने आई थी आप इसीलिए आप हमारे विवाह फलदान तक यहाँ रुकना चाहती हैं ताकि बार बार हमें इस बात का अनुभव करवा सके कि कुंवर प्रताप हमें भीख में मिल रहे हैं आपसे किंतु नहीं एक साधारण सामंत की भोली दिखने वाली पुत्री के उपकारों के बिना भी हम अपना जीवन जी सकते हैं उसके उपकारों की कोई आवश्यकता नहीं हमें जब देखते रतन सिंह जी से कहिए कि पठान ताजीर उनसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। हाजी खान जी, वे इस समय पूजा में व्यस्त है। पूजा समाप्त होते ही वे शीघ्र ही आपसे मिलेंगे। और कोई बात नहीं बिरादर, हम इंतजार कर लेंगे। जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी नाड बटम बेम बेम चकार चंड तांडव तनो तुना शिव शिवम अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजिन भना मधुव्रतम समरांतकम पुरांतकम मखांतकम गजांतकम गजांतकांत कांतकम दमंतकांतकम भजे ओम नमः शिवाय क्या बात है सर आप यहीं क्यों रुके तो गुरुकुल आने में समय है अब क्या हमारा विवाह हम अपने मित्रों को आमंत्रित भी ना करें चलिए चलिए अब देर हो रही है सर
चलिए सर, ठीक है, यदि आप हट कर रहे हैं तो हम भी हट करेंगे, हम भी यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहां से। जो होना है होने दीजिए, अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, हमें अपने विवाह में बहुत रुचि है? अब हम यहीं रुककर आपके साथ विश्राम करेंगे। बाबूजीराज, बाबूजीराज, आपका विवाह तय हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। वही बताने आ रहे थे हम गुरुकुल, आप सबको आमंत्रित करने के लिए। बाबूजीराज, आपका विवाह हो रहा है, सर्वनाश नहीं। आप अभी से इतने उदास क्यों हो? अरे अजब दे पास नहीं इसलिए आप उदास हो? हमारा विवाह अजब दे के साथ नहीं, फूलकंवर के साथ हो रहा है। क्या? परंतु हमें लगा था कि अजब दी आपको। गुरुकुल चलते हैं, फिर भील राज राणा खेता जी को आमंत्रित करने उनके जंगल भेजना। वेणीदास, क्या हम आपका आश्रय ले सकते हैं? हाँ बाबूजीराज, क्यों नहीं। वो क्या है ना कि पता नहीं सारंग हट कर बैठा है, हिल ही नहीं रहा, ये क्या कहना चाहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें अपने मन की बातें या अपनी भावनाएं एक एक साधारण सामंत की पुत्री से बांटना चाहिए। हो गई हमसे भूल, अब हम अपनी भूल दोहराएंगे नहीं। जब तक चली चली यहां से। इसे कहां लेके जाने? ये सब हमारा सामान है। हमने सोचा कि आपके आने से पहले ही हम आपका सामान बंधवा देते, क्योंकि आपको स्पष्ट संकेतों को समझने में काफी समय लगता है। हमने तो कोई अपराध नहीं किया, ना ही हमने कोई पाप किया, फिर हम सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? भगवान अविश्वास करी। अजब दे, हमने फूल की माँ वाली पालकी के सेवकों और कहारों को ये कह दिया है कि वे आपको पूरी सुख सुविधा के साथ बिजोलिया पहुंचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं है इन सब की। आपने अपने पिता के राज्य वैभव में आज तक कोई एक तिनका तक नहीं जोड़ा है, इसलिए अकारण ही हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का इस साधारण सामंत की पुत्री को उन सुविधाओं का दुरुपयोग करने का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई आवश्यकता है। चार कहार, एक डबड़ी और एक पालकी काफी है इस सामंत की पुत्री को उसको घर तक भेजने के लिए। हुक्म ठीक कह रहे, हम ऐसे ही चले जाएंगे। जाना तो आपको है, पर समय के मूल्य को समझिए, अपना नहीं तो कम से कम हमारे समय के मूल्य को समझिए। इसलिए तुरंत जिन जिन को मिलना उनसे मिलिए और निकल जाइए। तो द्वार ही नहीं खोल रही है अपना। आप अभी ये भोजन वापस ले जाइए, कुछ देर बाद प्रयास कीजिएगा। जी रानी साहब।
अच्छा मौसी जी, क्या हम एक बार रानी माँ से मिल सकते हैं? अजब दे, हमारी क्या इसी के लिए सुन रही है वे? क्या पता आपकी बात सुन के वे द्वार खोल लें। धन्यवाद हमारा जो हमें आपके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो कैसी लगी आपको मेवाड़ की महारानी जयवंताबाई? बिल्कुल माँ जैसी। आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब देखिए आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। रानी माँ आज आपको अपने पुत्र की भावना या अपने पति की आज्ञा दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम बिजुलिया जा रहे हैं रानी, हमें यहां जो कुछ मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं रानी माँ। हो सकता है कि हम आपसे फिर कभी ना मिल पाए, किंतु हमारे मन में आपके लिए आदर और स्नेह हमेशा रहेगा। हम जानते हैं रानी माँ, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहेगा। जहाँ भी रहो सदा सुखी रहो। बहुत साहसी है, अरे खाइए हाजी खान खाइए। कितने कमजोर हो गए हैं आप, आखिर ये भी आपके दोस्त का ही महल है। शर्माइए मत, खाइए। हाँ हाँ खाओ ब्रदर खाओ। हाजी खान आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैठे हमारे दोस्त और संगमरमर की तिजारत के लिए राजपुताने से यहां आए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आपकी इजाजत मिल जाए तो इनकी तिजारत में इजाफा हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस व्यापार आरंभ करने से पहले आप हमें अपने पत्थरों के नमूने अवश्य दिखला दें। तो खोचो जरूर। रतन सिंह जी, नायाब तिजारती ये नहीं, ये है। ये बालक व्यापारियों का सरदार है। और ये बालक हमसे व्यापार करने आया है। मेहरबान लालदी जान, इनका उम्र पे मत जाइए। इनका काबिलियत और इनका हुनर का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। प्रताप, आप तो जानते ही हैं कि ना हम किसी के विवाह में और ना ही फलदान में सम्मिलित होते हैं, किंतु आपकी मानसिक स्थिति देख के ऐसा लगता है कि
ये आपके पास आपके निकट के लोगों को होना चाहिए जो आपको समझ सकें, और इसी कारणवश हम आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। केवल हम ही नहीं, गुरुकुल के आपके सभी मित्र आपके विवाह में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद गुरु। कुंवर प्रताप का विवाह और हमें सूचना तक नहीं मिली। खेता जी, हम आगे निराना खेता, हम अभी अभी आपके जंगल ही आ रहे थे आपको हमारे विवाह का न्योता देने, और हमारा सौभाग्य देखिए, हमारी आपसे यही भेंट हो गई। सौभाग्य आपका नहीं, हमारा है। हम तो स्वयं आचार्य जी के पास निवेदन लेकर आए थे कि हमारे कुछ भीलों को प्रशिक्षण दें, उन्हें युद्ध में निपुण करें। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है राणा खेता जी। राणा खेता जी, कुंवर प्रताप ने युवाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है, और इन्होंने युद्ध प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी बनाया है। गुरुवर, हमने तो सब कुछ आपके चरणों में ही बैठकर सीखा है। राणा खेता जी, हम आपको पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने विवाह का न्योता देते हैं। आप कृपया अपने सभी भील भाइयों के साथ में हमारे विवाह में आइएगा और हमारी मान बढ़ाइएगा। आपका चित्तौड़ दुर्ग में स्वागत करते हुए हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। जो आज्ञा को करता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा प्रशिक्षण कुंवर प्रताप के विवाह के पश्चात ही हो पाएगा। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हम इनका परिचय करवाना भूल गए। यह हाकिमपुर के राजकुमार कुंवर पारस हैं। अरे, हाकिमपुर के साथ तो हमारी मैत्री बहुत गहरी है। यदि आप भी इन सबके साथ हमारे विवाह में आएंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे कुमार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुरुजी और हम इन्हें अपने साथ लेकर जरूर आएंगे। सुनाते आपको कोई चुटकुला तो याद रहता नहीं है विनीदास, आप आपका मुंह बंद रखिए। अच्छा चलो दूसरा चुटकुला। एक बार एक गांव में ठाकुर साहब थे विनीदास पर मानना पड़ेगा बाबूजी राज पहले से बहुत ही भाग्यशाली है। अब मारवाड़ के राजकुमार फूलकंवर से जो उनका विवाह होने वाला है। हाँ, कितनी साहसी है वो, किसी से नहीं डरती। मित्रों, हम समझ गए कि आप लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु आप लोगों को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। फूलकंवर के साथ विवाह करना हमारे लिए हमारा ऐसा ही कर्तव्य है जैसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और हमें अपने कर्तव्य निभाने आते हैं। जल्दी जल्दी चल।